वायरस का आतंक जनमानस में व्याप्त है। लोगों की दुनिया उनके घर की चार दीवारी तक सिमट कर रह गई है। कुछ लोग इसे कैद मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे जिंदगी में एक ब्रेक के बतौर ले रहे हैं, तो कोई अपनी जिंदगी की यात्रा पर ही निकल पड़ा है, और तो और कुछ लोगों ने इस समय को अपने आप को ग्रूम करने में लगा दिया है। लेकिन देश विदेश से कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इस लॉकडाउन में घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। ये सब कुछ हो रहा है कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से। वैज्ञानिक और डॉक्टर्स दिन रात इस बीमारी का सटीक इलाज और वैक्सीन तलाशने में लगे हुए हैं। जिंदगी बचाने की इस मुहिम में यदि कहीं से कोई उम्मीद भरी खबर आती है तो राहत महसूस होती है। ऐसे ही एक खबर आई है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में BCG का टीका मजबूत हथियार बन सकता है। इसने कई देशों में मृत्यु दर को घटाया है। इस टीके का उपयोग करने वाले देशों में 6 गुना तक कोरोना वायरस से हो रही मौतों का आंकड़ा कम हो गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि BCG के टीके से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। ये कई बैक्टीरिया और वायरसों को खुद ही खत्म कर सकता है। अमेरिकन शोधकर्ताओं ने दावा किया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को टीबी जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए नवजात शिशु को दिया जाने वाला BCG का टीका सुरक्षा के तौर पर सामने आया है। इन विशेषज्ञों ने कहा कि ब्रिटेन में BCG टीकाकरण के लागू होने से मौत का आंकड़ा घट सकता था। इस स्टडी में ये बात सामने आई है कि कोरोना संक्रमण और उससे हुई मौत के मामले उन देशों में अधिक है जहां BCG टीकाकरण की पॉलिसी या तो नहीं है या फिर बंद हो गई है। वहीं दूसरी ओर जिन देशों में अभी भी BCG टीकाकरण का अभियान चल रहा है वहां कोरोना संक्रमण और मौत के मामले कम हैं। न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल साइंस की तरफ से BCG टीकाकरण वाली आबादी पर कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए ये अध्ययन किया गया। इसमें ये बात खुलकर सामने आई कि वो देश जहां BCG टीकाकरण नहीं होता है, जैसे इटली, अमेरिका, लेबनान, नीदरलैंड और बेल्जियम की तुलना में भारत, जापान, ब्राजील जैसे BCG टीकाकरण करने वाले देशों में कोरोना संक्रमण और उससे हुई मौत के आंकड़े कम हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस वक्त इटली में सबसे अधिक मौत हुई है, तो संक्रमित देशों में अमेरिका टॉप पर है। लेकिन आपको यहाँ बता दें कि चीन में भी BCG टीकाकरण पॉलिसी है, मगर वहाँ पर कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया ने देखा और चीन की वजह से ये बाकी के देशों में फैला। इसलिए कुछ जानकार इस पर सवालिया निशान भी लगा रहे हैं। क्या कहता है शोध? शोध कहता है कि इसमें भौगोलिक आधार पर कुछ देशों की स्वास्थ्य सुविधाएं, टीकाकरण कार्यक्रमों और कोरोना वायरस के संक्रमण संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि BCG टीकाकरण से टीबी के अलावा वायरल संक्रमण और सांस संबंधित सेप्सिस जैसी बीमारियों से लड़ने में भी सहायता मिलती है। इसलिए डॉक्टर्स BCG टीकाकरण वाले देशों में कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने की बात कर रहे हैं। शोधार्थियों ने यह भी बताया कि जिन देशों में BCG की शुरुआत पहले हुई वहां कोरोना से हुई मौत के आंकड़े बहुत कम हैं, लेकिन अमेरिका, स्पेन जैसे देशों में BCG टीकाकरण नहीं होता है, इसलिए यहां कोरोना वायरस का संक्रमण सबसे ज्यादा हुआ है। इन लोगों को भरोसा है कि चीन, इटली या अमेरिका की तुलना में भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण अधिक घातक नहीं होगा। इन सभी देशों में पाए गए कोरोना वायरस के स्ट्रेन यानी जेनेटिक वेरिएंट में अंतर पाया गया है। हिंदुस्तान में वैज्ञानिकों ने कोरोना के स्ट्रेन को अलग करने में अन्य मुल्कों की अपेक्षा पहले सफलता हासिल कर ली थी। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना के 12 नमूनों की जांच कर जीनोम का जो क्रम तैयार किया है उसकी प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मिला कोरोना वायरस सिंगल स्पाइक है, जबकि इटली, चीन और अमेरिका में मिले वायरस ट्रिपल स्पाइक है। इस आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत में फैला वायरस इंसानी कोशिकाओं को ट्रिपल स्पाइक वाले वायरस की अपेक्षा कम मजबूती से पकड़ पाता है। ब्रिटेन में मौत की तस्वीरें कम भयानक हो सकती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन में 1953 से 2005 के बीच 10 से 14 साल के सभी स्कूलों में बच्चों को बड़े स्तर पर अभियान चलाकर BCG का टीका लगाया गया था। लेकिन जब देश में टीबी का संक्रमण कम दर्ज किया जाने लगा तो अधिकतर डॉक्टरों ने इस टीकाकरण अभियान को बंद करवा दिया, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है कि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण ब्रिटिश नागरिक कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। शोधकर्ताओं को आशा है कि आगामी भविष्य में इस वैक्सीन के टीकाकरण के कारण लोगों के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी और वो छोटे मोटे संक्रमण से प्रभावित नहीं होंगे। परिणाम स्वरूप इन लोगों का शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस की खोज कर खुद ही उसे नष्ट कर देगा। वहीं अमेरिका से जो रिपोर्ट आई है वो भी चौंकाने वाली है। यहाँ के नागरिकों पर किए गए परीक्षणों के अनुसार BCG टीकाकरण के 60 साल के बाद तक लोगों में टीबी का बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर सका।
ये टीका और भी अन्य संक्रामक रोगों के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को ताकतवर बनाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील जहां से बीसीजी की शुरुआत हुई थी वहां पर अब तक 4000 से अधिक लोग ही संक्रमित हैं और वहां पर 165 लोगों की मौत हुई है। इसलिए अब यहां पर भारत की बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गौर करने वाली बात है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी युवा है, उस हिसाब से 1962 में शुरू हुआ बीसीजी का टीका अब तक 70% से अधिक लोगों को लग चुका है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना से संक्रमित आबादी का प्रतिशत लगभग ना के बराबर है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जर्मनी और ब्रिटेन ने कहा है कि वो कोरोना संक्रमण के मरीजों की देखभाल कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों पर बीसीजी के टीके का प्रयोग करेंगे। ये शोध और इसके अनुमान राहत भरे तो जरूर हैं, लेकिन इन पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते। हाँ, इतना जरूर है कि इस अंधेरे में ये एक उजाले की किरण है। ऐसे में ये रिपोर्ट भारत के लिए राहत भरी खबर है। क्या है सुकून भरी बात? ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक एनके गांगुली ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि बीसीजी वैक्सीन एक तरह से इम्यूनो मॉड्यूलेटर है जो सांस संबंधी गंभीर संक्रमण की स्थिति में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है और तो और ये कुष्ठ रोग और सेप्टिसीमिया जैसी बीमारियों में भी उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। PGI चंडीगढ़ में हाल ही में SARS-CoV-19 जैसे वायरसों के कारण होने वाली सांस की गंभीर बीमारियों में प्रतिरक्षा के रूप में इसका उपयोग किया गया है, जिसके परिणाम फिलहाल प्रकाशन के लिए भेजे गए हैं। अभी तक की रिपोर्ट के आधार पर इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि BCG का टीका वायरस से लड़ता नहीं है, बल्कि ये वायरस से लड़ने या फिर उससे सुरक्षा के लिए हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने से हम वायरस का हमला झेल पाने के काबिल बन जाते हैं, यानी कि इम्यूनिटी मजबूत बनाने के कारण BCG वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने में सहायक हो सकता है। अभी BCG पर रिसर्च चल रही है, इसकी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन इसने उम्मीद की किरण जगाई है जो इंसान के जीवन को बचाने में मददगार हो सकती है।